सलमान भाई से बात करने दे। वसीम भाई थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन मुझे इख्तलाफ है यूनुस खान से। आपको भी इख्तलाफ है? इन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, लेकिन इन्होंने चंगेज खान का नाम इमरान खान के से पहले लिया। इमरान खान जो चंगेज खान है वो कोई भी नहीं है। ये इनको पहले ये ख्याल करना चाहिए था, बाद में लिया, बाद में लिया। इसीलिए आज मैं हमेशा कहता हूँ कि कप्तान बिना दिल मेरा नहीं लगता। सर ये मुझे बात तो कर ले, ये बाद में गुनगुना दीजिए। इमरान बिना दिल मेरा नहीं सर मुझे बात, असल में ये गाना पड़ता है, अगर मैं ये नहीं गाऊंगा इमरान भाई के सामने मेरे नंबर कैसे पड़ेंगे? अच्छा सर आप सबसे पहले तो एक काम करें, अपने मुंह का सुराख बड़ा करें, आवाज पूरी नहीं निकल रही। भाई मैं पीडीएम से बात करने का रवाना। लेकिन आप एक मतलब एक क्रिकेटर सिंगर, अब आप सियासतदान, क्रिकेट भी आपने बड़ी शौक से खेली, सिंगर अब सियासतदान बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्रिकेटर था इतना, ये भी नहीं था इफ्तिखार जो आ रहा था। इतने पुराने आप? इफ्तिखार रिटायरमेंट की उम्र में खेलना शुरू हुआ है। अरे अब ये आपने पर्सनल कमेंट कर दिया तो गलत बात है ना, मतलब वैसे गुनाह सवाब से याद आ गया। अच्छा लेकिन सर मुझे बताएं, ये आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट है, मुझे आपकी बात बेईमान नंबर वन, क्या बेईमान नंबर वन बात? आप यकीन करें ये अंकल, ये जो नवाज शरीफ नाम के जो एक अंकल है, इनके साथ में आज से नहीं बहुत पुराना खेल रहा हूँ। अच्छा ये जिमखाना की टीम में होते थे, हाँ। जाहिर है बर्गर बच्चे, हाँ। और हम लोग होते थे मॉडल टाउन की टीम में। आप लोग क्रिकेट खेलते थे? हमारे मैचेस, एक दफा हमारा मैच हुआ, आप यकीन करें ये जो अपना स्टाफ लेकर आए, एम्पायर मियां साहब लेके आ गए जी, मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, एम्पायर DIG हैं जी, लेग एम्पायर SHO, नहीं नहीं फर्स्ट स्लिप पे होम सेक्रेटरी, नहीं कैसे हो सकता है यार, ये एक ओवर खेलते थे और उसके अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ देते थे ये। अच्छा। पूरी काबीना, पूरा जो क्या कहते हैं उसको ब्यूरोक्रेसी, वो इनकी स्कोरिंग पे लग जाती है। आपको जो है वो मसला, मैं इनके साथ। अच्छा लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन आपको सबसे, आपको शहबाज साहब से ही मसला है, छोटे मियां साहब से भी आपको तो उनसे भी इख्तलाफ है, उनके साथ तो क्रिकेट के। छोटे मियां साहब का और मेरे इख्तलाफ म्यूजिक का इख्तलाफ है। म्यूजिक जी, ये देखें आप हर दफा गाना गाने के लिए ये हमेशा आगे आने की कोशिश करते हैं, ये गाना गाते हैं, कभी माइक गिरा रहे हैं, कभी पहलवानों को गिरा रहे हैं। ओ भाई ये मेरे पास जब आए ऑडिशन देने के लिए जुनून का, तो आप यकीन करें, हाँ। मतलब इन्होंने इतना बोंडा गाना गाया, इतना आप फिर भी अच्छा गाते हो, सही कह रहे हैं, इतना बोंडा गाना गाया है आपके अंदर वसीम भाई, आपके अंदर फिर भी मैं कहूंगा कि आठवां सुर है। अच्छा जैसे होता है ना सारे गा मा पा दा नी सा सा, हाँ। आ ये अच्छा, ये आठवां ही होता है। अच्छा। आठवां आठवां सुर, और इस आदमी को मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा वजीर आजम बनना, बन जाओ, नो लेकिन लेकिन गाना नहीं गा सकता तू।